राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के लिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के अलावा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज जी के अलावा इसके सदस्य भी शामिल हुए। एक रूटीन काम, लेकिन इंजीनियरिंग में जितनी बातें होती हैं, जो चल रहा है उसकी प्रगति और इसके बाद क्या होना है उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। अभी भगवान का प्राण प्रतिष्ठित किया जाने वाला विग्रह किस पत्थर का बने, कैसा बने, उसका चेहरा मोहरा कैसा हो, उनका पोस्चर कैसा हो, देश के कौन ख्याति नाम लोग हैं जो इस काम को अपने हाथ में ले सकते हैं। बैठक में L&T और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर के अलावा भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण करने वाले मूर्तिकार और विशेषज्ञ भी मौजूद थे। बैठक में गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। क्या स्वरूप उसका तय किया गया है? उसके लिए तीन लोगों की जो समिति बनी है और उन तीन लोगों के सभी निर्णय 10 दिनों के भीतर आ जाएंगे, पुस्तकाल के चित्र भी आएंगे और फिर किस प्रकार की शिला की वो बनेगी ये भी निर्णय होगा, ये लगभग 10 दिन में होगा। बहुत लोगों ने क्या कहा? बाल रूप रहेगा भगवान का और 7 वर्ष के अधिक नहीं रहेगी, 7 वर्ष के भीतर की 5 वर्ष की ही भगवान की प्रतिमा रहे, इस प्रकार का सबका आग्रह है और उसकी जो ऊंचाई है लोगों को दूर से दर्शन करने की सुविधा हो, इस दृष्टि से वह लगभग 5 फीट की रहनी चाहिए, ऐसा विशेषज्ञों का मत है और उन लोगों के साथ लोग लगभग सहमत तो विचार करने के लिए क्या पत्थर जो नहीं, ये अब वो लोग उसके नमूने लेकर के आएंगे भेजेंगे और उसमें से हम चयन करेंगे। समिति में कौन कौन लोग हैं? अरे मुझे उनके नाम याद नहीं है, लेकिन पुणे के हमारे देवलूलकर जी हैं, एक उड़ीसा के हैं चित्र बनाने वाले वासुदेव कामत मुंबई के हैं और एक कर्नाटक और उड़ीसा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने का इंतजार देश और विदेश के तमाम लोग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2024 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।